गुड मॉर्निंग क्लासेस, आज हम टेंस का पार्ट टू लेके आए हैं आपके सामने। सॉरी, पहले तो मैंने आपको कल बोला था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन एक पहली वीडियो इतनी लंबी बन गई कि दूसरी वीडियो का बनाना पड़ा मुझे। पास्ट टेंस का स्पेशल वीडियो है। हाँ, लेकिन आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि फ्यूचर भी आज खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जब भी कुछ बोलता हूँ वो कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैं आपको सारा जरूर पढ़ा दूंगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जाम में आपके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे टेंस में। ठीक है, आज पास्ट को कम्प्लीट करते हैं। ठीक है, आइए चालू करते हैं। सबसे पहले पास्ट इनडेफिनिट। इसी को सिंपल पास्ट कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बोले या सिंपल पास्ट बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब आपको ये तो रिवाइज हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट होती है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट, और जिसपे काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आज आपको वो सब चीजें नहीं बतानी पड़ेगी मुझे। आशा करते हैं आपने रिवाइज किया होगा सारी चीजें कल की क्लास में। तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं पहचान से। इसकी पहचान है गया, गई, ता था, ती थी, ते थे। गया, गई, गए, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, ये सारी चीजें क्या दर्शाएंगे आपको कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, यही दर्शाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। ये याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आखिरी में अनिश्चित कार्य होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित तक जो दे रहता है। ठीक है, उसने खा लिया। ठीक है, कब खाया, क्या खाया, कैसे खाया, ये सब नहीं बात की थी, बस उसने खा लिया। ठीक है, उसने खा लिया था, इसका मतलब क्या पीछे छुपा हुआ है, था। ठीक है, खा लिया था, उसने खा लिया था। ठीक है, उसने पी लिया था। ठीक है, वह सोता था। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट काम है। अच्छा, इसी को पास्ट सिंपल, हाँ सिंपल पास्ट भी, सिंपल पास्ट भी, इसी को सिंपल पास्ट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहचान समझ में आ गया। अब इसको भी थोड़ा लंबे समय के लिए पढ़ेंगे, जैसे हम कल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे वैसे इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कम होगा, इसलिए क्लास जल्दी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल के जितना बोर नहीं करूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में नियम कुछ और होता है और निगेटिव सेंटेंस में नियम कुछ और होता है। तो ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और प्लस आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसमें आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इस पे आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इस पे आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो एक उदाहरण लेते हैं। यस सर, उसने खाना खा लिया था। उसने खाना खा लिया था, ठीक है, उसने खाना खा लिया था, वह मोटा हो गया था। ठीक है, उसने खाना खा लिया था, वह मोटा हो गया था, जैसे वैभव है मेरा। ठीक है, तो यहां पे आपको यहां समझना ये है कि लिया था। ठीक है, अगर ये था नहीं लगा होता तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट का होता, क्योंकि ये इसमें छुपा हुआ है, था छुपा हुआ है। ठीक है, उसने खाना खा लिया, मतलब खाना खा लिया। ठीक है, हो गया वो, खा लिया। ठीक है, तो लिया, गया, गई, ये सब चीजें पहचान है इसकी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। ठीक है, इसको बनाइए। उसने, अच्छा बताइए, उसने को क्या बोलेंगे? ठीक है, वेरी गुड, ही। हाँ तो बताओ, खाना खा लिया, खा खा, यहाँ पे खाना खा लिया है ना, तो इसमें वर्ब क्या है? सर, वर्ब की था सेकंड फॉर्म। हाँ तो खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईटिंग।
ईट एट होगा, ईट एट 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 ए टी ई एट, ये एट नहीं है ठीक है, एट है, एट है ठीक है, एट है ये, एट इंग्लिश वो मैथ वाला एट नहीं है, ये इंग्लिश वाला है। सर इसमें वॉस वर्ड नहीं यूज हुआ, वॉस वर्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये काम चल तो रहा नहीं है, चल तो रहा नहीं था ठीक है, वो खाना खा तो नहीं रहा था, वो बुक्कर थोड़ी ना कि खाया जाए खाया जाए खाया जाए, खाना खाना खा रहा है ठीक है, कोई बच्चे हैं जो खाते ही रहते खाते ही रहते हैं, खाता ही रहता था, जीवित प्राणी होता है, खाते ही रहते थे खाते ही रहते था, वह खाता रहता था ठीक है, वह खाता रहता था और खाते 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 मोटा हो गया ठीक है, उसके बाद जिम जाना पड़ा ठीक है, तो अगर खाता ही रहेगा तब वॉस वर्ड लगेगा ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई काम चल रहा था पास्ट में कब चल रहा था, ही एट द फूड, ही एट अ फूड, अ फूड, अ फूड ठीक है, ही एट अ फूड सही हो गया ठीक है, समझ में भी आ गया ठीक है, निगेटिव चालू करते हैं, देखो एक छोटी सी कहानी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुरू होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, हेल्पिंग वर्ब था प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डस, डू डस ठीक है, तो डू डस कब प्रकट हुए, जब निगेटिव आया, निगेटिव आया, जब निगेटिव आया तो कौन प्रकट हुआ, डू डस, और वो किसकी मदद से कर, मैं किसके मदद के लिए प्रकट हुआ था, एस वी एस के लिए, हाँ वर्ब की मदद के लिए, इसीलिए उसको सहायक क्रिया कहते हैं ठीक है, क्रिया जो थी उसकी मदद के लिए वो प्रकट हुआ था निगेटिव में, तो उसी लिए उसको सहायक क्रिया बोलते हैं ठीक है, उसने कहा बेटा तुम वर्ब एस और ईएस लेते हो पॉजिटिव में, निगेटिव में हमको दे दो एस और ईएस, समझ में आया, तो डस ने अपने ऊपर ले लिया एस और ईएस, और वर्ब को कहा तुम फर्स्ट फॉर्म में रहोगे, क्या बोला फर्स्ट फॉर्म में तुम रहोगे, हाँ तो वही डू भाग के पास्ट में भी आया, हाँ पास्ट में भी आया वही, और निगेटिव में यही बोला वर्ब से कि बेटा तुम जो सेकंड फॉर्म लिया हो ना वो हमको दे दो, डू बोला हम देखेंगे सर तुम अपना फर्स्ट फॉर्म में रहो, तुम्हें काम नहीं है, तुम पहले ही से क्रिया हो, तुम पहले ही से काम करते हो, कितना काम करोगे, सेकंड फॉर्म भी बन जाओगे फर्स्ट फॉर्म में रहो ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया और वो जो डू था ना वो सेकंड फॉर्म ले लिया अपना, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो यहाँ पे डिड नॉट आ गया, डू ने अपना सेकंड फॉर्म ले लिया ठीक है, यही सहायक क्रिया का काम है, इसने वर्ब का सेकंड फॉर्म धारण कर लिया और प्रकट हो गया डिड नॉट में, और वर्ब को क्या करा, वर्ब को क्या था फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आखिरी में, समझ में आया, ये जो डिड नॉट है ये सिंगुलर के लिए उपयोग होगा, सबके लिए उपयोग होगा, सिंगुलर के लिए भी, सिंगुलर के लिए दोनों के लिए यही नॉट ही उपयोग होगा, डिड नॉट ही होगा, सबसे सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी, अब समझ में आ गया ना, अब तुमसे अगर ये नॉर्मल पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है, क्योंकि डू ने सेकंड फॉर्म धारण कर लिया है, डू ने ऑटोमेटिक डू और डस सेकंड फॉर्म ले लिया है, खुद पे अपने आप पर ले लिया है, यानी कि प्रेजेंट में डू और डस रहेंगे और पास्ट में सिर्फ डिड रहेगा, हाँ केवल डिड रहेगा, लेकिन नेगेटिव में जो रहेगा वो डिड नॉट रहेगा, नेगेटिव में डिड नॉट रहेगा, नेगेटिव में तो डिड नॉट आया है, जब पॉजिटिव था तब तो डिड नॉट आया ही नहीं, तब तो वर्ब जैसे था वैसे बन गया, वर्ब सेकंड फॉर्म लिया हुआ था ठीक है, अब वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रख दिया और ये डिड नॉट हो गया, समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और ऑब्जेक्ट, हाँ इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है, ठीक है ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल है रोहन ने, रोहन ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की ठीक, रोहन ने पढ़ाई नहीं की, अब ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा गया भी नहीं आया, गई भी नहीं आया, ता भी नहीं था, ती भी नहीं था ठीक है, तो यहाँ देखे की, इसको ऐसे पढ़िए, रोहन ने पढ़ाई नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, बात वही है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो किया भी तो इसी में आएगा, गया आया है तो किया भी आएगा ठीक है, और गई में की भी है ठीक है, तो उसी को क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो कैसा भी दे सकता है ठीक है, लेकिन बात समझना है अनिश्चित काल है ठीक है,
रोहन ने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, तो उसी नियम के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या बताऊं, रोहन, रोहन, ठीक है, इसके पास डिड नॉट आ जाएगा, रू लिखिए मैंने, सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी रीड जाएगा, हाँ, डिड नॉट रीड, रीड नॉट, या फिर स्टडी, नॉट स्टडी, रोहन डिड नॉट स्टडी, हाँ, रोहन डिड नॉट स्टडी, ठीक है, समझ में आया ये? यस सर, बिल्कुल समझ में आया, अच्छे से, यस सर, ठीक है, सब्जेक्ट की पहचान हो गई है ना? यस सर, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम में जाइए और जल्दी से जल्दी पेज को लाइक करिए, वहां पे आपको वर्कशीट मिल जाएगी, प्रेजेंट के सारे वर्कशीट मिल जाएंगे आपको, अब पास्ट की भी वर्कशीट मिल जाएगी, आज मैं पास्ट पढ़ा दूंगा तो उसके सारे वर्कशीट आपको मिल जाएंगे वहां पे, और बहुत सारे एग्जांपल यहां पे करवाना मुमकिन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लेकिन हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या आंसर है, हम लोग जरूर देंगे रिप्लाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव में, ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना भटक कटक के एकदम आखिरी में इस वीडियो के इधर पे आएंगे, वो चेक करेंगे कितना लंबा वीडियो, इतना लंबा वीडियो, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट कूद जाएंगे, ठीक है, वो प्रेजेंट का देखेंगे ही नहीं, कल जो मैंने पढ़ाया था इंट्रोगेटिव में वो सब तो देखेंगे ही नहीं, वो आ जाएंगे, हाँ सर वैभव टाइप के लड़के हैं, हाँ, क्लास, ठीक है, वो कल आएंगे नहीं, आ जाएंगे पूछेंगे, तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा ना, मैं 100 बार पढ़ाता हूँ, किसलिए पढ़ाता हूँ, इसीलिए तो पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो आज फिर से मैं इंटरोगेटिव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इंटरोगेटिव फिर से देख लीजिए, ठीक है, इंटरोगेटिव, ठीक है, पास्ट का इंटरोगेटिव हो चाहे वो प्रेजेंट का इंटरोगेटिव है चाहे वो फ्यूचर का इंटरोगेटिव हो, जो नियम मैं बताने वाला हूँ वो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है, बस सहायक क्रिया जो कि हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, वो केवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले, जो कल की क्लास नहीं समझे हैं, इंटरोगेटिव नहीं जाने हैं, वो फिर से देख लें, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वालों का नियम, अगर क्या से कोई भी वाक्य है वो क्या से चालू होगा तो उसका नियम क्या होगा, सबसे पहले आएगा डिड, ओके, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एक बात और बता दूं कि टेंस भी कुछ ऐसा बना हुआ है ना हमारा कि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स देता है, ठीक है, अभी तक जो था जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट में तो डू डस था, ठीक है, हैज हैव था, वाज वर था, इज एम आर था, प्रेजेंट में क्या क्या था, डू डस था, इज एम आर था, हैज हैव था, हैज बीन हैव बीन था, यहां पे आता था, ठीक है, यहां पे यही सब आते थे, और फिर हम लोग छांटते थे कि सब्जेक्ट देखते थे, ठीक है, उसके हिसाब से इज लगाएं कि आर लगाएं कि एम लगाएं, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, डू लगाएं कि डस लगाएं, लेकिन यहां पे हमको रिलैक्सेशन मिला, डिड दोनों के साथ लगता है, तो सबसे पहले आग बंद करके डिड तो लगा ही सकते हैं आप, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, समझ में आया, तो पास्ट में कुछ रिलैक्सेशन मिला, ठीक है, बहुत, अब आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना बचे हुए दोनों पास्ट उसमें रिलैक्स मिला हम लोग को, ठीक है, जो आखिरी के दो है उसमें भी रिलैक्स है, और एक में समझना होगा वॉस कब लगेगा, वर्ब कब लगेगा, ठीक है, ये समझ में आया, डेड आंख बंद करके लगा देंगे, सब्जेक्ट को देखना नहीं पड़ेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि दोनों के साथ डेड लगेगा, ठीक है, डेड ही है, दो तो है नहीं इसमें, तो जब भी क्या से चालू होगा तो डेड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके बिना ये रूल अधूरा है, हाँ पूरा नंबर कर सकता है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सीखोगे कैसे, तो क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है, सर ये कहता है सब आता है, अरे वो ज्ञानी ज्ञानी महापुरुष है, सर एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल, ठीक है, क्या वे वहां गए, पता नहीं गए कि नहीं गए, सही बात है, ठीक है, हमसे क्या, हमको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, हमको टेंस से मतलब है, वो गए या ना गए हमसे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका इंग्लिश अनुवाद जरूर करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना जरूरी है, ठीक है, क्या वे वहां गए, ठीक है, ये क्या से चालू हुआ है ना, यस सर, क्या से, सबसे पहले क्या आया, पहले तो वर्ड मने, लेकिन तो वर्ड मने क्या, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या वे वर्ड नहीं लगा देंगे, ठीक है,
तो डेड लगाएंगे। सबसे पहले क्या है? डेड लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें वे। वे को इंग्लिश में दे 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 ठीक है। डेड दे। अब बात की फर्स्ट फॉर्म ठीक है। गो गो गए, गए को गो बोलते हैं ठीक है। ठीक है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। गो नहीं बोले यहाँ, यहाँ देखो ठीक है। डेट दे गो देयर और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल है ठीक है। तो अगर क्या से शुरू होगा, अगर क्या से शुरू होगा तो डेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा ठीक है। क्या वे वहां गए? डेट दे गो देयर ठीक है। अब टाइप टू ये इंटरोगेटिव टाइप बनता। दूसरे टाइप में क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या क्यों कैसे कहां कब क्यों कौन ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं ये बीच में आएंगे। एक किसे भी होगा, किसे भी होगा, बहुत सारे इत्यादि आदि ठीक है। शब्द जो है बीच में आएंगे। ठीक है, इत्यादि शब्द बीच में आएंगे। ठीक है, ये सारे शब्द बीच में आएंगे। जब भी ये बीच में आएंगे, ये जब भी बीच में आएंगे तो दूसरा नियम फॉलो। ठीक है, क्या मतलब क्या होता है? व्हाट क्यों मतलब व्हाई कैसे हाउ कहां वेयर कब व्हेन कौन हु किसे किसे नहीं बता सकते। किसे किसे भी तो कौन ही है। अच्छा तो व्हाट ठीक है, कौन हु किसे किसे दिया ठीक है। किसे भी तो हु ही का पार्ट है, हूं बोलते हैं इसको। और आदि सर आदि तो इत्यादि है, अदरक वाला आदि। चाय में जो अदरक पड़ता है ना इत्यादि, सब्जी में भी पड़ता है, चाय में नहीं सिर्फ पड़ता है। हाँ वो तो है, लेकिन खासकर चाय में पड़ता है। हाँ खासकर वह तो सर दूध में डाली खाता है आदि ठीक है। और बहुत किसका हो गया, बेच हो गया ठीक है। ऐसे सब जितने भी शब्द आएंगे वो बीच में आएंगे। किस में आएंगे? बीच में आएंगे। जब भी ये बीच में आएंगे तो नियम क्या होगा, सबसे पहले यही छटक के आगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा डेट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आखिरी में क्वेश्चन मार्क ठीक है। तो ये क्या है नियम, तो फिर से एक बार रिपीट करो। सबसे पहले डेट, अरे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले क्वेश्चन, मैंने बोला लगाना है, मैंने बोला लगाना है, सबसे पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा टीचर को, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा के दिखा दो। लीजिए सर क्वेश्चन मार्क, एक नंबर दे दीजिए। नहीं होगा, वो लास्ट में लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन मार्क बस ठीक है। अब उदाहरण करते हो ठीक है। मैंने क्या बोला था, क्या वे वहां गए थे, वे वहां क्यों गए थे, वे वहां वे वहां क्यों गए थे। सर हम कोशिश करें, हाँ why did they go there ठीक है, लेकिन हमको समझाओ कैसे हुआ, हमको तो कुछ नहीं आता। ये सबसे पहले क्यों बीच में आया ना, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा वाई। हाँ फिर नियम क्या कहता है, वाई के बाद क्या आएगा, वाई डेड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो फिर फिर क्वेश्चन मार्क खत्म। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है क्या सही तरीके से लिखा है मैंने? यस सर, वो कैपिटल है। क्या चीज, बीच में जो कैपिटल डेट कैपिटल है, डे भी कैपिटल है, तो क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं स्मॉल डी। अच्छा ये नाउन
ये स्मॉल होना चाहिए ना? यस सर। ठीक है, स्मॉल डी ऐसे बनता है क्या? नहीं है, नहीं, ये तो उल्टा हो गया, ये ऐसे बी हो गया था। ये बार स्मॉल और ये कैपिटल टी भी लिखे हैं। स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी होगा। ओके, ये अब सही है ये? यस सर। हाँ, तो ये याद रखना, ऐसे ही लिखना है। अगर जो सही भी होगा और कैपिटल लिख दोगे ना तो भी आधा नंबर कटता है। ठीक है, आधा नंबर उस पर भी कटता है। ठीक है, एक नंबर या दो नंबर, किसी एग्जाम में दो नंबर का आता है, किसी एग्जाम में एक नंबर का आता है। तो एक नंबर का आएगा, एक नंबर का आएगा तो 0.25 कट जाएगा। लेकिन वैभव कहता है चाचा विधायक हमारे। ठीक है भैया, चाचा विधायक है लेकिन पेपर में नो नंबर होता है। जब बोर्ड का एग्जाम होगा ना तो रोल नंबर होगा। ठीक है, तब चचा नहीं आएंगे। तब चचा बोलेंगे बेटा पढ़ लो, पढ़ लेते तो विधायक नहीं बनना पड़ता। सॉरी पॉलिटिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, पास्ट एंड अपडेट हो गया। अब आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो जो थोड़ी देर पहले पूछा गया था सर वॉज वर क्यों नहीं आया, तो वॉज वर आ गया। आपका इंतजार खत्म हुआ और वॉज वर आपके सामने प्रकट हुआ। ठीक है, तो वॉज वर आ गया। तो अब आएगा पास्ट कंटीन्यूअस। पहचान क्या होगा, कोई बता सकता है? यस सर, रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत सही, रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरे चाचा 5 साल पहले जिंदा रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो रूल क्या है पॉजिटिव का? अब मैं पॉजिटिव निगेटिव एक साथ, जो कि कल की क्लास में कर रहा था, ठीक है, एक साथ, उसके बाद उदाहरण भी एक साथ। जैसे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले और इसमें आएगा वॉस या वर सबसे पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वॉस वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो आईएनजी आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस अगर लिखा हुआ है तो आईएनजी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव का सब्जेक्ट आएगा प्लस वॉस वर आएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो बार बार ऑब्जेक्ट 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 है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक बार डाउट इसका क्लियर कर दे, ऑब्जेक्ट क्या होता क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, संज्ञा और सर्वनाम को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट भी संज्ञा सर्वनाम होगा और ऑब्जेक्ट भी संज्ञा सर्वनाम होगा, लेकिन जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, जिसपे काम हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मेरा स्टूडेंट गुड्डू है, पतंग उड़ाता है, ठीक है, तो उड़ाने वाला कौन? क्रिया। उड़ाने वाला गुड्डू, तो गुड्डू सब्जेक्ट हो गया। उड़ा क्या रहा है? पतंग। काला हो गया ना, उड़ाते उड़ाते तो क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो पतंग क्या हो गया उसके लिए? ऑब्जेक्ट। तो पतंग क्या संज्ञा है कि नहीं है? और गुड्डू संज्ञा है कि नहीं है? दोनों संज्ञा है, तो संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, अब वही गुड्डू पतंग उड़ाने से पहले अपने दोस्त मुड्डू के साथ पतंग लेने जा रहा है। ठीक है, मुड्डू के साथ पतंग लेने जा रहा है, तो जा कौन रहा था, किसने बुलाया था? गुड्डू। गुड्डू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और किसके साथ जा रहा है? मुड्डू। मुड्डू वो ऑब्जेक्ट हो गया उसका, उसको हाथ पकड़ के ले जा रहा है। ठीक है, तो वो भी संज्ञा हो गया। ठीक है, तो दोनों संज्ञा हो गई। और ये वॉस वर्ब का क्या चक्कर है? वॉस ये सहायक क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया इस क्रिया को सहायता देती है। ठीक है, ये जो मेन वर्ब है उसको सहायता देती है, ये बताती है कि काम हो रहा था। अच्छा, अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे वॉस का उपयोग करेंगे? हाँ, वो एक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं, जो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी को चालू करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं क्या है ये वॉस वर्ब की कहानी। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन, ठीक है, तो आ जाते हैं थोड़ा सा फ्लैश बैक में। देखो, जब एक
नाम है, ठीक है, एक नाम है जिसका नाम है टेंस, ठीक है, जिसने तीन लोगों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको बोलते थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर और फ्यूचर, भूतकाल, उन्होंने चार चार बेटे को जन्म दिया, ठीक है। अब देखो वो तो चार चार बेटों को जन्म दिया, वो अपनी जगह है, वो तो बाद में अभी पढ़ ही रहे हैं, बारह तो पढ़ना ही है, लेकिन इसमें एक आदमी को पैदा किया जो अभी पढ़ रहा है, जो अभी पढ़ा रहा है, जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, वो है आई, वो है आई, ठीक है, वो कौन है आई, पढ़ा कौन रहा है आई, पढ़ कौन रहा है यू आई, वो वाला आई, ठीक है, लिख कौन रहा है वो वाला आई, ठीक है, वीडियो कौन देख रहा है वो वाला आई, तो सब आई आई है, वो आई की कहानी है, ठीक है, ये आई की कहानी है, ठीक है, आइए आई की कहानी जानते हैं। आई जो था, ठीक है, ही शी इट यू वी दे, आई जो था सबसे पहले प्रेजेंट में आता है, ठीक है, इसको लगाता है, देखो अब क्या है, आई वी यू दे, ये चार ग्रुप बंटवारा हो गया, ही शी इट नेम बंटवारा हो गया, ठीक है, तो इन सब के साथ आया डस, इन सब के साथ आया डू, इन सब के साथ आया इस, ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि इधर पे ये इनके साथ था, आई भैया जो थे वो आई वी यू दे के साथ थे, इन्होंने इन्होंने क्या किया, डू जब लगा रहे थे, जब ये लोग काम कर रहे थे साथ में, तो ये भैया जी जो है नाराज हो जाते हैं, आई जो है वो घमंड में नाराज हो जाते हैं, ठीक है, कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, तो अगला जब कॉन्टिन्यूस आता है ना, तो ये लोग क्या, ये लोग कौन है, तीन है ना, अब ये तीन दोस्त हैं, ये अकेला है, ठीक है, ये छीन बोलेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे तुम्हारा, तो इसके साथ क्या करोगे, चार दोस्त हैं उसमें अगर एक तुमसे बोलेगा कि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ निकाल लात मार के निकाल देंगे, तो इसको निकाल दिया, कॉन्टिन्यूस में बोला कि तुम जाओ बाहर, बाहर आ गया, अब क्या है, इसके साथ तो लग गया आर, इसके साथ एस, अब बेचारा अकेला था, एम लग गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, यस सर। अब इसके बाद क्या हुआ, अगला में हैज, इन लोग के साथ क्या लगा, हैज लगा, इन लोग के साथ क्या लगा, हैव लगा, इसको भी हैव दे दिया, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा साझेदारी कर लिया, कभी बुलाते हैं, अब ऐसे दोस्त को हमेशा नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि बेचारा साथ रहा है, बहुत दिन से साथ रहा है, डूब में तो साथ दिया ही है, तो चलो ठीक है, कभी बुला लिया, कभी मना के बुला लेते हैं, एक कम हो जाता है ना, फिल्डर एक कम हो जाएगा, फील्डिंग करवाने के लिए बुला लिया तो हैव दे दिया, अगला वाला क्या हैज बीन, इधर हैज बीन दे दिया, इधर पे भी हैव बीन दे दिया दोनों को, ठीक है, बुला लिया दो बार, ठीक है, अब ये प्रेजेंट का था, ठीक है, पास्ट में आया, ठीक है, अब यही मतभेद आखिरी में दो बार मतभेद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने सबने मिलके एक टीम बनाई, ठीक है, यहाँ पास्ट में ही शी इट नेम और आई वी यू दे ये सब मीटिंग किए कि भैया ये जो है एम है ये बहुत आई हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, ठीक है, सब लोग मिलके मीटिंग बनाए, ठीक है, सब लोग मीटिंग किए कि भैया ये आई के साथ कुछ करना पड़ेगा, तो सबने ले लिया एक नॉर्मल डेड, सबसे पहला जो अभी हम पढ़ाए थे इससे पहले डेड ले लिया ना, अब आता है कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस में क्या कहा इन्होंने कि भैया ये बहुत बदतमीज है, ये मेरे साथ नहीं रहना है, ये मेरे साथ नहीं रहेगा, ठीक है, अब इसको हम नहीं रखेंगे अपने पास, ठीक है, अब इसको हम नहीं रख सकते, ठीक है, हम तीन ही लोग खुश हैं, हम तीन ही लोग खुश हैं, तो अब क्या हुआ, इन्होंने कहा ठीक है भैया तुम खुश रहो, इसको हमको दे दो, ये आ गया यहाँ पे, अगले कॉन्टिन्यूस में जब कॉन्टिन्यूस की बात चल रही थी तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इन सबके साथ क्या लगता है, वॉस लगता है, और वी यू दे, ये तीन लोग मिलके तिगड़ी वर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर, ठीक है, अब ये हुआ, ठीक है, अब ये चल रहा था, इसके बाद क्या हुआ, अगला हेड आया, हेड फिर से ये लोग मिले, मीटिंग किए, ठीक है, ये लोग मीटिंग किए, ठीक है, कि भैया ये हमारे पास तो पांच मेंबर हो गए, तुम्हारे पास तीन मेंबर है, ये तो बेमानी हो गए, चार चार मेंबर सुखी मेंबर थे, हम चार थे तुम चार थे, फिर मीटिंग किए, दो बार मीटिंग चली, इसके पास हेड आया, इसके पास भी हेड आया, अगली बार में जो आगे पढ़ेंगे हम, उसके बाद हेड बीन में भी मीटिंग चली, मीटिंग लंबी चलेगी ना भैया, आठ लोग हैं, संधि करने में मीटिंग लंबी चलेगी ना, हेड बीन, ठीक है, समझ में आया, दो बार मीटिंग चला, ठीक है, दो बार मीटिंग चला, उसके बाद भैया ये जो वी वाले हैं ना, जो ये ऊपर आए हैं, वी इसमें आई भी होता है, वी में, वी मतलब वी, वी में एक आई भी होता है ना, तो फ्यूचर में जाते जाते इन्होंने पलटी मार दी, इन्होंने पलटी मार दी,
ये बहुत बदतमीज निकले भी? ये हाँ वी निकले बदतमीज, तो ये फ्यूचर में चले गए आई के साथ, आई के साथ चले गए, ठीक है आई के साथ चलेगा कि हम आई का समर्थन देते हैं। आई सही बोल रहा था, आप लोग पता नहीं कितना मीटिंग करते हो, बार बार यही मुद्दा चलता, अच्छा खासा हम तीनों थे, आपको दिक्कत हो रही थी, दो बार फालतू मीटिंग करनी, हम आई के साथ चले जाते हैं, आप सब खुशी हो, ठीक है। ये छह लोग जो हैं आ गए अलग, ही शी इट नेम और यू दे, इन सब के साथ क्या लगता है विल लगता है, और इन दोनों के साथ इसीलिए शैल लगता आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे, अब से शैल लगेगा फ्यूचर में इन दोनों के साथ शैल लगेगा, गलत है ठीक है, शैल लगाएंगे, आई के साथ शैल, बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। कहानी समझ में आई, कहाँ से आएगा, यहाँ से निकाला गया फिर रखा गया फिर इसने रख लिया उसके बाद अलग वी के साथ, आखिरी में वी ने धोखा दे दिया, ठीक है उसके साथ चला गया, चला गया कि आई और वी हम एक साथ रहेंगे और शैल लगेंगे, ठीक है ये समझ में आया, यस सर, ठीक है। एक और ट्रिक जो मैंने आपको कल बोला था कि मैं बताऊंगा, ठीक है इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये फ्यूचर का इतना है, मैं थोड़ा सा मार्कर से अच्छे से कर देता हूँ, ये फ्यूचर का है, सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक और छोटा सा ट्रिक, देखो ये ट्रिक समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। अधिकतर बच्चों को ये दिक्कत होती है जब दो दो आता है, वॉस वर्क, ठीक है वॉस वर्क, डू डस, ठीक है विल शैल, हैज हैव, ये सब जो भी दो दो वाले है ना पेयर वाले, किसके साथ वॉस लगता है, किसके साथ वर लगता है, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है, ठीक है सबसे ज्यादा दिक्कत इसी पे आती है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, आपको ये याद है ना कि और दूसरा समूह क्या है, आई वी यू, ठीक है ये दो समूह सबको याद है कि नहीं, यस सर, ये दो समूह जो है वो याद है कि नहीं, ही शी इट नेम और आई बी यू ने, ठीक है। तो जो ये वाला समूह है, ठीक है जब भी कभी दो वाला जो आता है ना, दो वाला वॉज वर इज एम आर, ठीक है इज एम आर, डू डस और हैज हैव और विल शैल, ठीक है। तो ये सब में कंफ्यूजन होता है कि किसके साथ क्या लगा है, ठीक है सबको होता है। तो ये समूह याद है कि नहीं याद है, ये चार लोगों का पेयर, ये चार लोगों का पेयर सबको याद है, यस सर, ही शी इट नेम आई बी यू दे, यस सर, ठीक है। ये वाले पेयर के साथ जब भी एस वाला आएगा, एस वाला शब्द वो इसके साथ, जैसे कि डू या डस में एस किस में लगा हुआ है, डस, तो किसके साथ लगेगा, इन समूह के साथ, इस समूह के साथ, सिंगुलर इन समूह के साथ, इज एम आर में एस कहां लगा हुआ है, इज एम आर में एस कहां है, इसके साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, हैज हैव में एस कहाँ आया हुआ है, सिंगुलर के साथ एस, एस कहाँ आया हुआ हैज हैव, हैज में आया ना, इसके साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है समझ में आया, ये समझ, वॉज वर में एस कहाँ है, एस कहाँ है, सिंगुलर, वॉज में एस लिखा हुआ है ना, डब्ल्यू ए एस, तो इसके साथ लगेगा, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब ये ट्रिक याद हो जाएगा, जब भी एस वाला आएगा कुछ शब्द तो इसके साथ, बस हाँ आखिरी में फ्यूचर में धोखेबाज को याद रखना, वहां आई वी के साथ एस वाला आता है शेर और बाकी सबके साथ विल आता है जिसमें एस नहीं होता, बस फ्यूचर के केस में याद कर लेना, उल्टा हो जाता है, फ्यूचर में उल्टा हो जाएगा, क्यों फ्यूचर को किसी को पता थोड़ी ना, अभी सब यस है लेकिन आगे चल के सब उल्टा हो जाता है, बोलते हैं ना समय बदल जाता है, तो बदल गया, फ्यूचर में एस कौन ले लिया, उल्टा ये आई वी ले लिया और बाकी सब एस वाला छोड़ दिया, विल ले लिया, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम, तो हो गया परिवर्तन, ठीक है। तो इसी तरह से याद कर लेंगे, डू डस में अब तो कंफ्यूजन खत्म ना, यस सर, ही शी इट्स के साथ डस लगता है, इस लगता है, हैस लगता है, वॉस, जब भी एस वाला है लिखा होगा ब्रैकेट में वॉस लगाए कि वर्ड लगाए, आगे ही शी इट नेम कुछ भी लिखा होगा तो उसके साथ एस वाला लगेगा, आई वी यू दे वाला होगा उसमें जिसमें एस नहीं होगा वो लगेगा, ठीक है। फ्यूचर के केस में उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ शैल लग जाता है, बाकी सब समझ में आया, इसी का उल्टा वाला यहाँ लिख देंगे, डू लिख देंगे,
आर लिख देंगे, हैव लिख देंगे, वर लिख देंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं वापस कॉन्टिन्यूस में, पॉजिटिव और निगेटिव का नियम लिखवा दिया, उदाहरण लिखवा रहा है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। मैं बाजार जा रहा था, होली का समय है, बाजार जा रहा था कपड़ा लेने, मैंने देख लिया कल, ठीक है। या हमारा एक बुड्ढू भैया कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा शराब दिला दीजिए। हम क्यों दिलाए, हम क्यों दिलाए तुमको, हम क्यों दिलाए कपड़ा, खुद जाओ बाजार खरीद लो, मेरे लिए भी ले आना, ये नहीं कि सर के सर को कुछ दे दे होली का, होली में भी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, एक गुलाल तक तो लगाए नहीं। आप लगाने ही नहीं देते, बोलते हैं ये लगा दे, आप एकदम से बिना आप लगाने ही नहीं देते कलर। हाँ वही करो ना, एक रुपए का गुलाब ले आके लगा दे, इससे अच्छा नहीं कि शर्ट ले आके लगा दे। सर कोई बंदे पक्का रंग लेके आएंगे, छूटे नहीं वो, हाँ वो महंगा आता है, वो ले आएंगे। हाँ कितना महंगा आता है, ये नहीं कि शर्ट ले आके लगा दे सर को, एक चश्मा ले आके लगा दे, एक घड़ी ले आके लगा दे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, हमेशा गुलाब ले आके लगा दे, ठीक है। वह बाजार जा रहा था, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, पूछो बाजार क्या है, बाजार मार्केट है। हाँ तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सर कौन जा रहा था, वह वह लड़का जो है ना वो जा रहा था, वो क्या है सब्जेक्ट, कहाँ जा रहा था, बाजार, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट, बस खत्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया, रहा था लिखा हुआ है, इसमें भी कहीं लिखा हुआ ना, ही वाज गोइंग मार्केट, ही वाज गोइंग मार्केट, बस ही वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यहाँ टू क्यों लगा, यहाँ तो कहीं ऐसा नहीं लिखा, तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वह बाजार को जा रहा था, वह बाजार को जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, हो जाएगा। अगर सिर्फ मार्केट लिखते तो गलत नहीं है, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन टू लगाना जरूरी है, ठीक है, शोभा बढ़ा देता है, हाँ सर, बस वही ना, कुछ चीजें अच्छी है। ये वैभव जोशी जो एक क्लास में है सर, ये स्टूडेंट जो है, हाँ। ये जो है बोल रहे हैं कि टू नहीं लगेगा, अच्छा टू लगाओगे, टू लगाएंगे तो ये बेकार हो जाएगा, हाँ। वो बांटना ही नहीं चाहता ना, दो लोगों में बांटना ही नहीं चाहता, अकेले बजा जाएगा, अकेले सब कुछ करेगा, वो टू लगाना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो बोल रहा है टू नहीं होगा, टू तो होगा ही नहीं, उत्तल चॉकलेट लेके आया था, टू नहीं होगा, टू चॉकलेट लेके आया था, मैंने सोचा था एक मुझे देगा, नहीं दिया सर, नहीं दिया, अरे वो देना ही नहीं चाहता है, लगाता ही नहीं है टू, वो अभी भी बोला कि टू नहीं लगेगा, टू लगेगा ही नहीं, दोनों कहा गया, एक एक करके मेरे सामने कहा गया, एक चॉकलेट मैंने दे दिया, सर एक लो, एक दीजिए, हम लोग अपने से करें, ठीक है, एक अभी दे रहे हैं सर, थोड़ा कठिन दीजिएगा, समझ में आएगा क्या क्वेश्चन करने का, सर धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे, जिसको कठिन करें, पटिया दीजिए, इसको धीरे चढ़े वो, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। कल मैंने वैभव को, वैभव के घर गया मैं, ठीक है, मैंने क्या देखा, मैं देख रहा था, ठीक है, ये क्या कर रहा था, कोई गेस कर सकता है, नहीं सर शायद ये अभी होली आ रही है, ठीक है, पढ़ाई तो किया नहीं, अभी मैंने बोला ना उसने पढ़ाई नहीं किया, तो वो यही था, ठीक है, तो मम्मी इसको बोली कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते हो, कम से कम मेरा हाथ बटाओ, मेरा हाथ बटाओ, बच्चा अच्छा है, बच्चा बुरा नहीं है, ठीक है, बस हरकतें थोड़ी गंदी है, ठीक है, बच्चा तो अच्छा है, ठीक है, घर में अंगेज में था, हम देखे इसको, ठीक है, पूरा गंदा गंदा था, हमने कहा क्या कर रहे थे, तो कह रहा था मैं झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने यही देखा कि वह झाड़ू, लगा रहा था, वह झाड़ू लगा रहा था, ठीक है, वह झाड़ू लगा रहा था, सर झाड़ू, झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो झाड़ू जो है वो नाउन है, उसको तो ब्रूम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रूम बोलते हैं, लेकिन यहाँ झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था मतलब झाड़ू नहीं लगा रहा था कहीं पे, वो सफाई कर रहा था, मतलब इसका मतलब क्या है, वो सफाई कर रहा था, अच्छा बच्चा है, ग्रूमिंग नहीं होगा, ग्रूमिंग तो कुछ और होता है, लेकिन ग्रूमिंग होता है, ठीक है, और ग्रूमिंग नहीं होगा, झाड़ू लगाने को स्वीप कहते हैं, ठीक है, स्वीप, स्वीप की स्पेलिंग होता है, झाड़ू लगाने को स्वीप कहते हैं, एस डब्ल्यू डबल ई पी, ठीक है, इसका मतलब होता है झाड़ू लगाना, ही वॉज स्वीपिंग, नहीं तुम्हें तो ये बोलना चाहिए ना, आई वॉज स्वीपिंग, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन तो
लेकिन तुम क्या बोलोगे? ठीक है, ई वॉज स्विमिंग ही बोलना, आई वॉज स्विमिंग अपना भावनाओं को वहां प्रकट मत कर देना, आई वॉज स्विमिंग एग्जामिनर को जो के नंबर नहीं देगा, ठीक है? यस सर। ही वॉज स्विमिंग, वैसे ही अच्छी बात है स्वच्छ भारत अभियान में, ये अच्छी बात है, मजाक की बात नहीं है। हाँ, ये अच्छा बच्चा है, ठीक है। आप लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, झाड़ू लगाना चाहिए, ठीक है, झाड़ू अच्छी बात, ठीक है। आपने ही घर में लगा रहा था ना? हाँ, मैंने ये तो नहीं बोला था, मैंने जो पूरी बात नहीं बताई है आपको, ठीक है, मैंने पूरी बात नहीं बताई है। वो मैं नहीं बताऊंगा ना अभी, ऑन स्क्रीन थोड़ी ना बताऊंगा, लाइव बोलना थोड़ा। ही वॉज स्विमिंग, समझ में आया? ही वॉज स्विमिंग, सिंपल था। अब निगेटिव का सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। वे नाच नहीं रहे थे, मैं देख नहीं रहा था। वे नाच नहीं रहे थे सर, क्या एक दूसरे से साफ़ कर दूँ? नहीं, अलग अलग है, ये बीच में ठंडा खींचा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है। वे नाच नहीं रहे थे, मैं देख नहीं रहा था। वे नाचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है। एक दिन हमारे बीच में बहुत अच्छा डांसर है, वो भी नाचेगा कभी किसी दिन, ठीक है, तब हम सब देखेंगे, ठीक है, आप भी देखिएगा, ठीक है, तब बनाएंगे, हम देख रहे हैं, ठीक है। बताइए। They were not dancing. और इसका? मैं देख नहीं रहा था। I was not seeing. I was not seeing. ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दिया मैंने, दे के साथ वर्ड लगता है, आई के साथ वर्ड लगता है। आई के साथ वर्ड लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसको निकाल दिया था, बताया था मैंने कहानी, बेचारा आई को निकाल दिए थे सब, ठीक है, ठीक है, तो हो गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव इसमें वो होता है क्वेश्चन पूछने का, दो तरह के होते हैं, तो एक तरफ ये वाला, एक तरफ ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या से शुरू होने वाला, क्या से आरंभ होने वाला? आरंभ से कुछ याद आया आपको, सब्सक्राइब करना होगा आरंभ गुरु, ठीक है, आरंभ गुरु चैनल का नाम है, तो आरंभ को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, और अगर मजा आ रहा है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जो नहीं आ रहा वो पूछें और हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो आरंभ, क्या से आरंभ होने वाला, ठीक है, क्या से आरंभ होने वाला, और दूसरा जो है वो क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, बीच क्वेश्चन वर्ड बीच में। इंटरोगेटिव का दो पल्ला, एक पल्ले में क्या से शुरू होने वाला, एक पल्ले में क्वेश्चन बीच, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने वाला, ठीक है। तो उन दोनों का नियम, नियम ये है कि सबसे पहले आएगा वॉज वर्ड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वर्ड, और ये क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया है वो सबसे पहले आ जाएगा इसमें, और वॉज वर्ड आ जाएगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये नियम है। देखेंगे दोनों नियम एकदम सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इसका उदाहरण आप लोग दे दें, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल आपका लिया हुआ एग्जाम्पल,
हिंदी 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 क्या हिंदी में क्या वो दिल्ली जा रही थी क्या वह दिल्ली जा रही थी यही देखो तुम वैभव यही देखो वैभव क्यों मेकअप करने जा रहा था दिवाली के तैयार हो रहा है होली के तैयार वैभव क्यों मेकअप करने जा रहा था सही है ना सर हाँ वैभव क्यों मेकअप करने जा रहा था और क्या है दिल्ली जा रहा था जा रही थी पहले आया था सर इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट क्या वे दिल्ली जा रही थी जा रहे हैं क्या वह दिल्ली जा रही थी यही देखो तुम क्या चीज करना क्या सर दिल्ली जा रही थी यही देख के कि तुम मेकअप करने जा रहे थे ठीक है तुम मेकअप करने जा रहे थे उसको देखा नहीं गया वो चली गई दिल्ली वो चली गई दिल्ली ठीक है तुम मेकअप करोगे तो सारा मेकअप तो उसका तुम यूज कर लिए तो नाराज होके दिल्ली चली गई ठीक है तो इसका जवाब मिल गया ठीक है ये तो मेरा जवाब था ना आपका अपना जवाब अलग होगा ठीक है वो हमको चाहिए तो सबसे पहले इसमें बताओगे कौन सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले पीछे से सब्जेक्ट बताओ क्या है सब्जेक्ट सर वह पीछे से सब्जेक्ट है इंग्लिश में जा रही थी ना ये तो वही सब देखता है पता होना चाहिए क्या होगा जा रही थी शी के साथ क्या लगता है बॉस लगेगा कि वर्ड लगेगा तो सबसे पहले क्या आएगा बॉस आएगा दो फिक्स हो गया ठीक है अब जाने को इंग्लिश में यहाँ से जाने को इंग्लिश में गोइंग ठीक है कहाँ जा रही थी दिल्ली तो यहाँ पे टू लगेगा कि नहीं लगेगा दिल्ली को जा रही थी ना इसीलिए अच्छा एक चीज बताओ सही है कि नहीं तुम बताओ सही है कि नहीं गलत है प्रॉपर नाउन है वो और क्या है और सर एस बी कैपिटल है आप सही है वॉज शी गोइंग टू दिल्ली ठीक है दिल्ली में डी कैपिटल होगा ठीक है दिल्ली में ये इसका भी ध्यान लेकिन सर सी तो वो ना अगर वो प्रनाउन है नाउन है तो वो सी तो कैपिटल में है एस तो कैपिटल में ही रहेगा ना नहीं ये प्रनाउन है ना ये कौन सी शी है पता ही नहीं है ना ये केवल वैभव के अलावा कोई जानता नहीं है ना अगर जानने लगे कि ये शी कौन है और अगर वो शी कोई दीपिका पादुकोण या ऐसी कोई निकले तब वो कैपिटल में आएगी ठीक है अगर वो वैभवी निकली या फिर वैभव की वैभवी ऐसे नाम में मत जाइए कोई भी ऐसे नाम होगा तो तब भी वो स्मॉली में लिखेगा ठीक है क्योंकि वो केवल वो जानता है तो यहाँ पे ये सी स्मॉल में अब दूसरे बात अब सबसे पहले क्या है वाई आएगा क्वेश्चन मार्क क्यों है तो वाई आएगा वाई वॉस हाँ वैभव के साथ वॉस लगेगा यस सर वाई वॉस वैभव क्या होगा इसका वैभव वॉस अरे वाई वॉस वैभव डूइंग मेकअप कर रहा था ना करने जा रहा था करने को डूइंग ठीक है डूइंग मेकअप वाई वॉस वैभव ठीक है अब मैंने कल की क्लास में बताया था ये जो डूइंग जो यहाँ लगा है ये डू जो है एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है एक मेन वर्ब भी है भी एक मेन वर्ब ठीक है और ये एक सहायक क्रिया भी है ठीक है ये दोनों चीजें यहाँ पे ये जो डूइंग है ना ये मेन वर्ब की तरह है कल मैंने बताया था आपको इसीलिए अच्छा होता है ठीक है समझ में आया ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया अब आएगा पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट यस पास्ट परफेक्ट अब सारा नियम लिखूंगा मैं और उदाहरण वाई
was is here, not there. Why was Vaibhav doing makeup? पहचान क्या है इसकी? चुका था, चुकी थी, चुके थी। चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, अब नियम के बारे में। नियम करना था पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का नियम सबसे पहले पॉजिटिव सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे एक लौता। अब यहाँ पे छूट मिलेगी आपको कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में हेड लगेगा। प्लस परफेक्ट के लिए मैंने एक बात कल बताई थी, परफेक्ट जब भी आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे कोई भी परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल कोई बता सकता है? चुका था से बनाना था, कोई यहाँ से बनाएगा? मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका, मैं सर चुका था पीछे हम सर तुम्हारी मैं घर जा चुका था। प्रिया कल घर नहीं गई थी, प्रिया कल घर नहीं गई थी। सर एक बात पूछिए। हाँ सर, वो गया था वाला तो आप सिंपल पास्ट में भी बताए थे। हाँ तो यहाँ पे गया था कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे गया था नहीं होगा, यहाँ पे ये था कि प्रिया ने कल काम नहीं किया था। ठीक है, काम नहीं किया था तो जो काम हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ था, जो काम नहीं हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ठीक है, तो वहां पे यहाँ वो और इसमें एक छोटा सा फर्क है, उसका निगेटिव और इसका निगेटिव में यही एक फर्क है कि जो अति आवश्यक काम होता है ना, जैसे मम्मी क्या बोलती है कि खाना बना दो, ठीक है, मम्मी बोलती है कपड़े साफ कर दो, ठीक है, घर साफ कर दो, वो हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस केस में क्या आएगा? हम परफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर वो काम अनिश्चित होगा, वो काम अनिश्चित हुआ, जैसे प्रिया घर नहीं गई तो इसमें क्या हुआ? नहीं गई, तो वो इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, लेकिन जो काम हो चुका था ना, जैसे उसने काम नहीं किया था, उसने काम नहीं किया था, प्रिया ने काम नहीं किया था, प्रिया ने काम नहीं किया था, तो वो काम हो जाना चाहिए था और वो नहीं हुआ, तो क्या होगा? निगेटिव होगा परफेक्ट का। ठीक है, वो काम हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो समय इधर पे आ जाता है। ठीक है, प्रिया ने कल काम नहीं किया था। ठीक है, तो काम हो जाना चाहिए था, मतलब होमवर्क नहीं किया था, यहाँ पे बोल रहा है, तो होमवर्क हो जाना चाहिए था कि नहीं? ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना चाहिए, तो ये नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, ये हो जाना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा मैं घर जा चुका था, तो आई हैड गॉन होम, प्रिया ने कल काम नहीं किया। ठीक है, इसके पीछे यही है कि चुका था, मतलब जो काम हो जाना चुका था वो नहीं किया था, कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो काम होना चाहिए था ना कुछ ना कुछ, और नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट की बात हो गई। तो यहाँ पे इस नियम के हिसाब से बनेगा। ठीक है, जो काम निश्चित और अनिश्चित में फर्क दे, वही परफेक्ट और इंडेफिनिट में यही फर्क है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही फर्क है, वहां पे समय आ जाता है, समय आ जाता है। ठीक है, समय ही से हम लोग डिफरेंट करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। बना दिया? हाँ बताओ पहले वाले का क्या? आई हैड गॉन टू होम,
आई हैड गॉन सर आई हैड गॉन होम नहीं हो सकता हो सकता गलत रहेगा कि सही रहेगा सही रहेगा आई हैड गॉन होम लगाने का तो शोभा बढ़ जाएगी हाँ बस घर को अब इसका प्रिया हैड नॉट प्रिया हैड नॉट डन वर्क वर्क हर वर्क लड़की है तो हर वर्ष यहाँ पे ये शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है ये बताने के लिए कि उसने अपना काम नहीं किया था दूसरे का काम नहीं अपना काम नहीं किया ठीक है तो यहाँ पे छुपा हुआ है ठीक है अब यहाँ पे कल के लिए टुमारो यस्टरडे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे कल के लिए कल काम नहीं किया प्रिया हैड नॉट डन हर वर्क यस्टरडे ठीक है अगर लगाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा क्योंकि लास्ट डे नहीं लगा सकते सर नहीं यहाँ पे वो नहीं है ना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं कर रहा हम लोग यहाँ पे यस्टरडे ही लगेगा हाँ इससे अच्छा नहीं लगा तब भी सही है हाँ क्योंकि पास्ट में पहले से बात पता चली लेकिन ये हेड लगा तो दिख रहा है कि वो पास्ट है चपरिया हैड नॉट डन हर वर्क यस्टरडे अब जो बच्चे बोर्ड में है जो बच्चे बोर्ड में है उनके लिए एक चीज है अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जो बच्चे यूपी बोर्ड में है उनको मैं ये कर देता हूँ प्रिया हैडन्ट डन हर वर्क यस्टरडे ठीक है तो क्या ये सही है नहीं सर नहीं सही है ये हैड नॉट ही लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म हैडन्ट मतलब हैड नॉट ही होता है तो ये क्या सही है तब तो सही है ठीक है ये सही नहीं है ठीक है जो बच्चे बोर्ड में जा रहे हैं उनके लिए ये सही नहीं है डिडंट मत यूज करिएगा डोंट मत यूज करिएगा कभी भी ठीक है डोंट अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो आप उसको डू नॉट ही लिखिएगा उसको डू नॉट ही लिखिएगा भले ही प्रश्न में डोंट ही क्यों ना दिया हो हैडंट ही क्यों ना दिया हो हैवंट ही क्यों ना दिया हो हैजंट ही क्यों ना दिया हो ठीक है कहीं पे भी एंड ऐसे आता है तो आप यूज नहीं करेंगे आप उसको हैड नॉट ही यूज करेंगे क्या यूज करेंगे हैड नॉट हमें नियम के हिसाब से चलना है ये चेक करते हैं ठीक है क्योंकि ग्रामर में नियम थोड़े से अलग होते हैं ठीक है हमने आपको पढ़ाया था निगेटिव वाले में अभी जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हैड एंड क्यों नहीं यूज कर सकते इसके पीछे का रीजन अभी तुरंत ही पता चल जाएगा यहाँ पे हैड नॉट ही होगा ठीक हैड एंड बोलने के लिए अच्छा है लिखने के लिए ग्रामर की चेक हो रही है ना आपकी स्पीकिंग की चेक नहीं होगी तो हैड नॉट ही यूज करिएगा इसको ठीक है अभी देखिए कैसे इंटरोगेशन पहला टाइम इंटरोगेटिव दूसरा टाइम ठीक है यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले नियम यहाँ पे सबसे पहले आएगा हेड हेड जो क्या से चालू होगा हेड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म तो हेड सब्जेक्ट वर्क की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इसका क्या है सबसे पहले क्वेश्चन मार्क फिर आएगा हेड उसके बाद आएगा सब्जेक्ट उसके बाद आएगा वर्क की थर्ड फॉर्म उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ठीक है अब इसका एक उदाहरण एक उदाहरण दोनों का देखिए हम लोग लगाते हैं फिर आप बताइएगा सही है कि गलत है क्या वे क्या वे खा चुके थे क्या वे खा चुके थे खाना खा चुके थे क्या वे खाना खा चुके थे सर हाँ वे क्यों वहाँ जा चुके वे क्यों वहाँ जा चुके वे क्यों गए थे या जा चुके थे हाँ गए थे या जा चुके थे जा चुके थे या गए थे एक ही बात है वे क्यों वहाँ जा चुके थे जा चुके थे Why had they gone there सर वाई हैड दे गॉन देयर क्वेश्चन मार्क हमें भी बनाने दो नकली हाथी में हम भी वही बनाएंगे हम भी वही बनाएंगे ठीक है इसका क्या बनाए वाई हैड दे गॉन देयर दे गॉन देयर अब इसी को देखिए दूसरा जो मैं बोल रहा था ना यहाँ पे निगेटिव में हैड नॉट क्यों लगाना है और हैड एंड क्यों नहीं लगाना है ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज आपने सही बनाया था ठीक है अब इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करते हैं वे क्यों वहाँ नहीं जा चुके वे क्यों वहाँ नहीं जा चुके थे
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सीखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यों सबसे पहले आया, क्या बनेगा वाई। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, अब हेड एंड लगा देंगे तब देखिए क्या दिक्कत हो जाएगा। है उसके बाद क्या आना चाहिए, दे नॉट। अब दे के बाद आना चाहिए नॉट, ठीक है। वाई हैड दे नॉट गॉन देयर, गॉन देयर, समझ में आया। यस सर। अब यहाँ हैड एंड लगा दिया होता तो वाई हैड नॉट दे गॉन देयर हो जाता, जो कि गलत हो जाता ग्रामर के हिसाब से। बोलने के लिए सही है, बोलने के लिए वो सही है जल्दी जल्दी, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत है, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, ठीक है। हैड और नॉट अलग अलग हो जाते हैं, हैड सब्जेक्ट नॉट आता है, ठीक है। ये भी आइए चालू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान है इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय होना अनिवार्य है। समय क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट है। अब इसका पॉजिटिव का नियम क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हीन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर्म। और निगेटिव का नियम है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, नॉट जो है वो बीच में आ जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अक्टिव में सेंस फॉर्म, और समय जो होगा वो लिख देंगे। समय का होना जरूरी है, समय ये बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है कि कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, वह पिछले दो घंटे से पढ़ रहा था, और एक एग्जाम्पल लिया है मैं दो घंटे से पढ़ा नहीं रहा था, ठीक है। तो नियम आपके सामने है, इसका बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही had been studying for 2 hours, studying for 2 hours। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ सीखने का मत है, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। अब यहाँ देखिए पिछले दो घंटे लिखा है, यहाँ लिखा है पिछले दो घंटे, जब वो कोई बोल रहा होगा कि वह पिछले दो घंटे से पढ़ रहा था, वो बोल रहा है ना, तो वो पिछले दो घंटे पता है कि नहीं पता हमको, हाँ पता है। तो यहाँ पे सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, फॉर तो अनिश्चित समय के लिए लगता है, सिंस लगेगा, सिंस लास्ट टू आवर्स। अब लास्ट लगाना जरूरी है, सिंस टू आवर्स, हाँ पिछले का इंग्लिश लास्ट होता है ना, लास्ट टू आवर्स, यही तो बता रहा है कि सिंस लगेगा, ये लास्ट ही तो बता रहा है कि भैया सिंस लगा दो, फॉर मत लगाना, समझ में आया। आया तो एक निगेटिव का उदाहरण ले लेते हैं। अब मैं दो घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, मैं दो घंटे से नहीं पढ़ा रहा था। अब यहाँ पे मैंने दिया था वह पिछले दो घंटे से, तो सिंस लास्ट टू इयर्स आया, लेकिन यहाँ पे आई के साथ हैड नॉट बीन उसके बाद वर्ब क्या है जी, पढ़ा नहीं रहा था ना, यस सर, टीचिंग, ठीक है टीचिंग। अब यहाँ पे दो घंटा, यहाँ पे सिंस आएगा कि फॉर आएगा, फॉर आएगा, दो घंटा है नहीं पता है। यहाँ पे अगर पिछला दो घंटा होगा तो सिंस लास्ट टू, और यहाँ पे अगर दो घंटा खाली दिया है तो फॉर टू इयर्स आएगा, फॉर टू इयर्स, टू आवर्स, ठीक है। अब इंटरोगेटिव का नियम देखते हैं, इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव जब क्या से चालू होगा, जब क्या से शुरू होगा, क्या बता, तो सबसे पहले हेड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा सेंस फॉर, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म उदाहरण है क्या, प्लस दो घंटे से, क्या रोहन दो घंटे से पतंग उड़ा रहा था, क्या रोहन दो घंटे से पतंग उड़ा रहा था। अब यहाँ समय दिया है दो घंटा, यानी कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, रहा था है आखिरी में, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैड, फिर क्या आएगा रोहन, फिर क्या आएगा बीन, फिर बात क्या है, पतंग उड़ाना, फ्लाइंग, फ्लाइंग एफ एल वाई आई एन जी, क्या उड़ा रहा था, अकाइट, अकाइट, अकाइट फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, क्योंकि इसमें कौन सा दो घंटा है पता नहीं, पता, हाँ फॉर टू आवर्स, ठीक है। अब इसका नियम है डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, और बाकी सारा नियम वैसे ही रहेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर सेंस,
और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सीता शनिवार को, सीता शनिवार को, सीता शनिवार को कहाँ जा रही थी, सीता शनिवार को कहाँ जा रही थी, ठीक है। अब यहां पे भी समय दिया हुआ है शनिवार, ठीक है, शनिवार दिया हुआ है, तो सबसे पहले सीता आएगा कि कहाँ आएगा, कहाँ आया है ना, तो वेयर आ जाएगा सबसे पहले, वेयर आ जाएगा, वेयर सीता हैड सीता बीन गोइंग, वेयर हैड सीता बीन गोइंग, अब क्या आएगा, वेयर हैड सीता बीन गोइंग सिंस सैटरडे, सिंस सैटरडे क्वेश्चन, ठीक है, सिंस सैटरडे, तो सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसके आगे सिंस का प्रयोग होता है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले भी सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है, हो गया खत्म पास्ट टेंस, आज पास्ट टेंस खत्म हो गया, लेकिन एक चीज इसमें टॉपिक में बचा हुआ है जो कि है पास्ट परफेक्ट का टॉपिक, ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ लास्ट में पढ़ाऊं, जिसको कहते हैं मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य का थोड़ा सा नियम अलग होता है, ठीक है, तो वो मैंने टेंस में इंक्लूड नहीं किया है, मैं जानता हूँ जो बच्चे एडवांस सीखते हैं तो वो पूछते हैं, पूछेंगे कि सर ये आधी अधूरी क्यों, वो आधा अधूरा कुछ भी नहीं है, वो बताऊंगा मैं, तो अगर अभी मैं बता दूंगा तो बेसिक खराब हो जाएगा, बेसिक एकदम खराब हो जाएगा, मिश्र वाक्य को लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जब टेंस कंप्लीट होगा, तो टेंस कंप्लीट नहीं होगा, एक वीडियो मिश्र वाक्य पे होगा, जिसपे मिश्र वाक्य बताएंगे कि परफेक्ट में एक मिश्र वाक्य भी होता है, ठीक है, एक काम हो रहा हो चुका होता है और एक काम होगा उसके बाद, पहले या बाद में होगा, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, हमें सपोर्ट दें।